पे कौन सा चैनल होता है? हम लोग का फोटो नहीं आएगा उसमें।
भेड़िया मूवी बहुत अच्छी है, वीएफएक्स उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, म्यूज़िक वगैरह अच्छा है, स्टोरी लाइन अच्छा है, इमोशनल बैलेंस अच्छा है और एक बहुत अच्छा मैसेज दिया हुआ, लाइक अगर लाइक अगर बोलते हैं ही इज़ ओवर एक्टिंग, आपको ज़रूर ये पिक्चर देखनी चाहिए। आउट ऑफ 5, 4.5 स्टार्स मैं दूंगा डेफिनेटली। कृति सैनन बहुत बहुत अमेजिंग है, उनका ग्लैमर बहुत अच्छा है। थैंक यू, अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। वरुण धवन वाज एक्सलेंट, सबकी एक्टिंग अच्छी थी, सारी अच्छी थी, सब डायरेक्शन एकदम मस्त है, स्पेशली 3D इफेक्ट्स वर एक्सलेंट। आई विल गिव 3.5 out of 5। हाँ पैसा वसूल है। कैसी लगी ब्रदर? ऑसम। अच्छी लगी? हाँ। वरुण धवन के बारे में क्या कहना? वरुण धवन उनकी एक्टिंग जो है वो बहुत सही है फिर ये मूवी में, और अभी ये मूवी मतलब एक बार नहीं मतलब बहुत बार देख सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि वन टाइम वॉच है, बहुत औसम है और 5 स्टार मिलेगी, इतनी अच्छी है। कृति सैनन की भी एक्टिंग अच्छी है और लास्ट में जो हुआ है वो बता नहीं सकता, स्पॉइलर। नेक्स्ट नहीं, अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ट्विस्ट है। हाँ हाँ सही में 5, 5। इट वॉज अ वेरी नाइस मूवी, आई विल गिव 10 out of 10। बट 2022 की जो बेस्ट जॉनरा कॉमेडी मूवी थी वो वरुण धवन की यही थी। कृति सैनन का रोल बहुत कम है मूवी में बट बहुत बेस्ट। म्यूजिक इज फैंटास्टिक और जो अभिषेक बैनर्जी की एक्टिंग थी वो बेस्ट थी, जो उनके दोस्त बने हैं मूवी में। They should definitely watch it. Okay, thank you. Hello. थोड़ा सा कि कैसी लगी फिल्म? मस्त मूवी, अच्छी है, बहुत अच्छी एक्टिंग है वरुण धवन की, 5 out of 5 stars। विजय सेनन भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। What was the best part in this movie? End part बहुत अच्छा था, like music की अगर बात की जाए, direction की बात की जाए, भेड़िया का title song best है। As well as audience को क्या कहना चाहोगे? बहुत वन टाइम वॉच है। आउट ऑफ 5, 5। भेड़िया मूवी आपने देखी, आपको कैसी? हाँ अच्छी है, ठीक है, मतलब इतनी अच्छी भी नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि स्टोरी अच्छी है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट उन्होंने राइटिंग में थोड़ा सा मेहनत नहीं करी है। काम कैसा लगा? वरुण की मैं बात करूँ, वरुण मुझे हर कैरेक्टर में हर मूवी में एक जैसे ही लगते, तो इस मूवी में मुझे वो सेम लगे। कृति सैनन को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका, बट उन्हें पता नहीं उन्हें क्यों इतना वो रोल नहीं दिया गया इस मूवी में, बहुत ही कम रोल दिया गया उन्हें, तो मुझे आई फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड। म्यूजिक और डायरेक्शन सचिनन जिगर, हाउ माय गॉड, उनका म्यूजिक बहुत अच्छा था, बहुत पैपी सॉन्ग्स थे, आई लव्ड इट, स्पेशली द जंगल वाला। मूवी द VFX में उनकी बात करूँ तो द ट्रांसफॉर्मेशन जो बताया, क्योंकि मैं सीरीज़ देखती हूँ तो टीन वुल्फ का इसमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लिया गया हुआ है, सो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। एंड कॉमेडी की बात करूँ तो जनार्दन ही स्टील्स द शो, क्योंकि उनके कॉमेडी की वजह से पूरी मूवी बंधी हुई है, सो आई लाइक दैट ऑल्सो। नो नॉट रियली, इट्स अ वन टाइम वॉच। हाँ पैसा वसूल तो नहीं बोलूँगी, थोड़ी सी और राइटिंग अच्छी होती तो वुड हैव बीन ग्रेट। 3 out of 5। थैंक यू ब्रदर, बोल दिया मैंने सर, थैंक यू सो मच। ओके हाँ, भेड़िया इट वॉज टोटली अ गुड मूवी टू वॉच। ओके अगर किसी को कुछ अलग एक्सपीरियंस चाहिए तो दे कैन कम ओवर हियर एंड वॉच द मूवी एज वेल। वरुण धवन, कृति सैनन, द रेस्ट ऑफ द कास्ट वॉज ऑलवेज टॉप नॉच। सी द फेवरेट सॉन्ग ऑफ माइन वॉज तुमकेश्वरी, सो आई लव दैट। अदर देन दैट देयर इज अनदर सॉन्ग व्हिच इज अबाउट अ कांड, वो भी अच्छा है। आई थिंक एल्स द केमिस्ट्री बिटवीन कृति एंड धवन, 4.5। थैंक यू सो मच ब्रदर, बाय बढ़िया। हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर, वरुण धवन की एक्टिंग के बारे में? बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वो तो है कमाल के कलाकार। अगर मूवी के अंदर बेस्ट पार्ट पूछा जाए तो क्या आपको सबसे ज्यादा पसंद
नहीं ऐसे तोड़ तोड़ के आप बोलोगे तो पूरी पिक्चर बहुत अच्छी है, म्यूजिक डायरेक्शन बहुत कमाल, बहुत ब्रिलियंट, पैसा वसूल, फैमिली के साथ देखनी चाहिए पिक्चर, एक सीख मिलती है पिक्चर से। हाँ गाना भी बहुत अच्छे, दो दो तीन गाने हैं उसमें, बहुत बढ़िया है। 5 to 5। अच्छा वाओ, थैंक यू सो मच, लव यू, लव यू, that's it, thank you, thank you. It is a very nice movie. My favorite is Arun Dhawan, so I love him. You love Arun Dhawan? Yeah, I love his acting. The story is nice. Everything is good. Direction is good. VFX is good. Everything is nice. What's the best part? Like it's funny and it's very interesting. Like if you watch. And Kriti is nice in the movie. Yeah, definitely people should watch it. Like one time, you have to watch it. What about music? Music is nice. Tumkeshwari song is like not in the movie. So we've been waiting like till the end that it's gonna come now, but not. So that is a. Out of 5 stars? 4. Thank you. Thank you. हाय, कैसी लगी आपको भेड़िया? बहुत अच्छा लगा। और वो वुल्फ का साउंड कैसा लगा? अच्छा था, इट्स नाइस। वरुण धवन की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, बट आई वुड से वरुण धवन से भी अगर अच्छा लगा है वो है अभिषेक बैनर्जी की एक्टिंग, दीपक दोबरियाल की एक्टिंग बहुत अच्छा लगा, एंड वरुण धवन वाज रियली गुड। कृति सनन बहुत अच्छी थी, आई मीन आई ऑलवेज लाइक हर एक्टिंग, सो शी वाज गुड। गाना तो इसमें एक रोमांटिक सॉन्ग है, दैट इज़ वेरी नाइस, फिर एक जंगल में कांड हो गया, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस सॉन्ग, एंड दो रैप्स है उसमें, एक जर्नी वाला सॉन्ग है और एक और रैप है जब भेड़िया बनता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। पैसा वसूल मूवी है, सबको देखना चाहिए ये मूवी, नया कॉन्सेप्ट है, ऑफकोर्स एवरीबडी शुड अप्रिशिएट न्यू। वुल्फ का साउंड अच्छा वाला निकलता है। अच्छा मैं 4.9 आई विल गिव इट, थैंक यू। ओह माय गॉड, देन यू आप घर जा सकती, कैसी लगी आपको भेड़िया फिल्म? बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी। इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट गाइज, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आई थिंक वन शुड कम एंड वॉच द मूवी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में इस टाइप की मूवीज के पहले बने नहीं है। सच में मैं ये रिपीट कर रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, बट इट्स ट्रू, यू नो, वन शुड कम एंड मस्ट वॉच। तो अच्छा है ऑब्वियसली, बट जो पंच लाइन है ओ डैम। बहुत अच्छी है, कृति ने बहुत अच्छा काम किया है, वरुण धवन ने भी बहुत अच्छा काम किया है, बट जैसे कि मैं बोल रही हूँ अभिषेक बैनर्जी ही नेल्ड इट लिटरली। म्यूजिक तो ऑब्वियसली, म्यूजिक वॉज वेरी नाइस, अच्छी, मतलब हाँ ऑल द म्यूजिक आर नाइस, बट वो जो एक थीम है वो दैट इज लाइक गूज़बम्प्स। ऑफकोर्स इट इज़, आई एम लिटरली वेटिंग फॉर सेकेंड पार्ट, आई मीन इसका होना चाहिए यार, पार्ट 2 पार्ट 3 आना चाहिए, आई मीन दिस इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मूवी, जस्ट लाइक यू नो, जैसे ब्रह्मास्त्र के बाद वी आर वेटिंग कि ओके इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए, इवन आई एम वेटिंग फॉर वेडिया पार्ट 2, लाइक देयर शुड बी समथिंग। नहीं आई एम अ टेरिबल दिस थिंग, बट या आई कैन होल अ लिटिल बट नॉट मच। बहुत बढ़िया, आप फरमाओ कैसे मिजाज हैं आपके? मेरा मिजाज एकदम बढ़िया। भेड़िया के मिजाज कैसे? भेड़िया बहुत अच्छी मूवी है, थ्रिलर भी है, कॉमिक भी है, इमोशनल भी है, बढ़िया काम किया, और हीरोइन का बढ़िया काम है, जो साइड में वो करेक्टर आर्टिस्ट है उनका बढ़िया काम है, म्यूजिक की अगर बात, बढ़िया। कौन सी म्यूजिक आपको अच्छी लगी? और टोटल म्यूजिक अच्छा है, वो तो मैडम सीन के हिसाब से म्यूजिक डालना पड़ता है ना, इस टाइम इमोशनल सीन है तो इमोशनल म्यूजिक डालेंगे, और हॉरर म्यूजिक है मतलब भेड़िया वगैरह आ रहा था उसमें भेड़िया का म्यूजिक डालेंगे, तो उसके हिसाब से डालना पड़ता है, सभी अच्छे लगते हैं ना। बढ़िया नहीं नहीं मैं कहा, मैं तो आदमी, भेड़िया तो भेड़िया, भेड़िया वाले निकालेगा नहीं।
नहीं। हाँ पैसा वसूल है, जो 220 रुपए खर्च किए वो वसूल हो गए। हाँ देखो पिक्चर के अंदर कोई कमी तो है नहीं, फिर पाँच में से पाँच ही देने पड़ेगा ना, कमी क्यों कर रहे हैं। मैं बोल देख ये इसको ही पता, इसको मैं पूछा देखो मैसेज करके कि तू आ रही कि नहीं बता। कैसी लगी ब्रदर भेड़िया? इट वॉज रियली अमेजिंग, मज़ा आ गया भेड़िया देख के यार। मतलब भेड़िया अनएक्सपेक्टेड था, इतना सोचा नहीं था कि इतना ऐसा बन के आएगा आउटपुट इसका बाहर। बहुत ही अच्छी मूवी है भेड़िया, एंड लिटरली देखा जाए तो ये VFX के मामले में देखा जाए, स्टोरी के मामले में देखा जाए तो बॉलीवुड बहुत अच्छा खासा इम्प्रूव कर रहा है। दोनों का बोलते ना केमिस्ट्री बहुत प्यारा था, और जो गाना है अपना बना वो गाना, तो मैं लिटरली वो गाना सुनने के लिए ना मैं मतलब बैठ गया था ऐसे, हाँ यार अब कुछ फील आ रहा है गाने में, लिटरली मज़ा आ रहा है गाने पूरे मूवी के अंदर। अगर वो सॉन्ग सिर्फ पूरी सॉन्ग ही चलते रहे ना पूरी हाँ, मूवी में तो मज़ा आएगा, बैकग्राउंड में बजाते रहो कोई टेंशन नहीं, एक नंबर सॉन्ग था वो, रियली बहुत अच्छा। व्हाट वाज लाइक सबसे बेस्ट पार्ट क्या था इसका? क्लाइमेक्स में तो बोलूंगा हाँ, एंडिंग पार्ट इज वेरी डिफरेंट, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने भी नहीं सोचा होगा ऐसा कुछ होगा। हाँ बट मैंने इसको बीच में बताया था कि वो एंडिंग ऐसा होने वाला है, जो कि वैसा ही हुआ, हो गया। वो अभी हम बताएंगे नहीं क्योंकि मूवी देखेंगे तो अपने को आइडिया। मूवी आओ देखो सब लोग प्लीज एक बार, क्योंकि मूवी में क्रिस्प है, मैसेज है और बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं, तो प्लीज आके देखो। बहुत अच्छा डायरेक्शन है, VFX पे तो बहुत अच्छा काम किया है, स्टोरी लाइन पे भी बहुत अच्छा ध्यान दिया है, और मूवीज को कनेक्ट कर करके इसके आगे की भी हमको कुछ ग्लिम्स दिया है कि इसके आगे कुछ और आने वाला है, वो हम नहीं बता सकते, आप लोग आके खुद देखो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या है। ये मूवी में देखा जाए तो वरुण धवन के ऊपर पूरा लाइमलाइट, वो तो ठीक है लीड में काम करे, बट जो बाकी के दूसरे आर्टिस्ट है ना उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, लिटरली बहुत, उनके बिना मूवी नहीं चलती, नहीं चलती सीरियसली। अगर वरुण अगर अकेला काम करता तो वैसा लाइमलाइट नहीं खींच पाता जो अपने सपोर्टिंग कास्ट में थे। वो भिड़िया आ गया हमारा यहाँ पे। कितने स्टार देंगे पास? मैं 4.5 दूंगा, सेम 4.5। थैंक यू।